सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रिडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022-23 के 39 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलते रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 13 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार 1 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम सिडनी थंडर की बात करें तो 5 मैच 4 मैच विन है, वहीं 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो 5 मैच 4 मैच विन है और 1 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइस यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी इक्वल चल रहा है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो जहाँ पर सिडनी थंडर 8 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स 2 मैच जीत के आ रही है। तो गाइस यहां पर सिडनी थंडर आगे चल रही है हेड टू हेड में। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज देखें तो जहाँ पे सिडनी थंडर का 50% है तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 80% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 145 है तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 161 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 228 है तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 229 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 15 है तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 136 है। दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की और आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी। तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 56% रहेंगे, वहीं 3% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं पिच की और आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग देखें तो 148 बनने की संभावना है। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो 123 बनने की संभावना है। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 31 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। इस पिच पे अगर देखें सरफेस की बात करें तो इस पिच पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को इस पिच पे स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है। क्योंकि इस पिच पे जितने भी मैच हुए हैं अभी तक अधिकतर मैच डिफेंड हुई है, डिफेंड में काफ़ी अच्छा मैच रन से जीत सकते हैं इस पिच पे। अगर इस पिच पे देखें कि जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, तो यह टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सिडनी थंडर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। पिछली मैच की रिकॉर्ड चेक करें तो काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीम एक दूसरे को काफ़ी अच्छा टक्कर देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त दोनों के बीच में मुकाबला हो सकती है। तो आप लोग जोर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम थंडर के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू गिलक्रिस्ट, एलेक्स हेल्स, डैनियल सैम्स, गुरिंदर संधू। वहीं दूसरी टीम अगर पर्थ स्कॉचर्स के की प्लेयर की बात करें तो एडम लीथ, कैमरॉन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, एस्टन टर्नर, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए सिडनी थंडर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।